लगातार बारिश का दौर जारी है। अब ऐसे में सिरोही के माउंट आबू में भी लगातार पर्यटक बारिश का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ माउंट आबू से संवाददाता सुनील आचार्य जुड़ चुके हैं। सुनील आचार्य, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बारिश का दौर जारी है, अब ऐसे में माउंट आबू में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा पिछले 72 घंटे में माउंट आबू में 23 इंच बारिश हुई है, और माउंट आबू का आप स्थिति देख सकते हैं, माउंट आबू पूरा बादलों के आगोश में छाया हुआ है। मेरे साथ कुछ पर्यटक भी हैं जो इस खूबसूरत नजारे का आनंद ले रहे हैं। ये पर्यटक आए हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में इतनी बारिश नहीं होती, परंतु माउंट आबू का जो मौसम है वो कैसा सुहाना। आइए चलिए बात करते हैं हमारे कुछ पर्यटकों से, उनको माउंट आबू का मौसम कैसा लगा। मैडम आप कहाँ से हैं? चित्तौड़ जिला पाटली। आपको माउंट आबू का मौसम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया। आप माउंट आबू में आपने पहले इस तरह का मौसम देखा? फर्स्ट बार आए हैं। आपके साथ कुछ और पर्यटक हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आप चाय की चुस्की ले रहे हैं, माउंट आबू का मौसम आपको कैसा लग रहा है? मौसम काफी अच्छा है, काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और हमने उम्मीद करी थी कि बारिश वगैरह नहीं होगी तो हम ज्यादा घूम पाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा हमारा घूमने का प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया, लेकिन फिर भी मौसम अच्छा है तो हम इस चीज का भी आनंद उठा रहे हैं। ये पर्यटक थे जो माउंट आबू घूमने आए थे। माउंट आबू का मौसम बारिश ज्यादा होने के कारण कह रहे हैं कि हमारा घूमने का थोड़ा जो प्रोग्राम था उसको हमने कटौती की गई है, परंतु इतना खूबसूरत मौसम देख के इसको इनको अच्छा भी लग रहा है, जगह जगह झरने हो रहे हैं। एक और दीपिका बात बताना चाहूंगा, माउंट आबू का जो मुख्य मार्ग है वो आज क्षतिग्रस्त हो गया, बड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है, क्योंकि पिछले वर्ष में माउंट आबू के अंदर तेज बारिश के कारण रास्ता टूट चुका था, और इस बार पुनः आज रात को तेज बारिश हुई जिस कारण रास्ता टूट गया है। प्रशासनिक स्तर के ऊपर रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में माउंट आबू के अंदर सीजन भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जन्माष्टमी का महोत्सव है, जन्माष्टमी गुजरात के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इसका मुख्य कारण यह रहता है कि 6 दिन की छुट्टियां गुजरात में होती है, और गुजरात का सारा टूरिस्ट माउंट आबू आता है। 22 तारीख तक माउंट आबू बंद है, परंतु इस खूबसूरत नजारे को माउंट आबू का पर्यटक और आने वाला टूरिस्ट इसको ले रहा है, उसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जी दीपिका, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि माउंट आबू में भ्रमण करने के लिए लोगों का हमेशा तांता लगा रहता है, वैसे में आपने बताया कि जन्माष्टमी के ऊपर गुजरात के टूरिस्ट भी यहाँ पर भ्रमण के लिए आएंगे, अब उनके लिए क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगातार बारिश वहां पर हो रही है? बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर के ऊपर मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट और आपातकालीन सेवाओं का भी इन्होंने प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। उनका मुख्य कारण ये है कि कुछ दिन पहले माउंट आबू के अंदर झरने के ऊपर नहाते हुए 2 पर्यटकों की मौत हो गई थी, तो जहाँ पे ये जो पानी का भाव है, जहाँ पे झरने हैं वहाँ पे पुलिस प्रशासन दिन रात गश्त करता है, लोगों को समझाइश करता है कि गहरे पानी में न जाए, जहाँ पे पानी का वेग ज्यादा वहाँ न जाए, और कोई ऐसी अनहोनी ना हो उसके लिए भी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम 24 घंटे काम कर रही है। जी दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।